हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि अगर आपके रेगुलर लॉसेज हो रहे हैं तो उनको आप कॉन्कर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ध्यान रखो, अगर आपके रेगुलर लॉसेज हो रहे हैं तो आपके अंदर फियर बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका होगा, आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा हावी हो चुका होगा वो वाला फियर। तो फियर की वजह से आप अगर अच्छी ट्रेड भी ले पा रहे हो, मतलब अगर अच्छी ट्रेड बन रही है वहाँ पे आप एंटर नहीं कर पाते और बुरी ट्रेड में हम एंटर कर जाते हैं, तो इसका सीधा सा एक हिसाब, एक फॉर्मूला ये है कि शेर, देखो शेर क्या करता है, जब भी शेर को अटैक करना होता है एक कदम पीछे लेता है, ठीक है। जो मेरे लाइफ में भी काम आया था, तो मेरे जब रेगुलर लॉसेज होते, मैं ज़्यादा कैपिटल से जो है ट्रेड करता था, मेरे रेगुलर लॉसेज हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने क्या किया, जब मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि नहीं दोबारा शुरू करते हैं, तो मैंने दोबारा शुरू करने का डिसीजन लिया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपनी कैपिटल को सिर्फ 5% यूज़ करना दोबारा शुरू किया और 5% कैपिटल से मैंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब 5% कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, मान लो मैं पहले ट्रेड कर रहा था 1 लाख रुपए से, तो 1 लाख रुपए से मेरे जो लॉसेज होते थे, मान लो मैं 2% का रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरा डेली 2000 के अराउंड मेरा क्या चल रहा था, लॉस चला जा रहा था। और रेगुलर लॉसेज और थे तो कभी 2000 गया लॉस, कभी 1500 गया, कभी 1000 गया, कभी 500, 700, 600 ऐसे जा रहा था, ठीक है। मतलब रेगुलर 2% भी नहीं, कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा, ठीक है। बीच में एक दिन प्रॉफिट हो गया, फिर 2 दिन प्रॉफिट हो गया, बट अगले दिन फिर वही है, लेकिन अगर मंथली देखा जाए तो वहाँ लॉसेज हो गया था। तो मैंने एक चीज़ बहुत, मैंने इसका लिए सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मतलब मुझे कैसे अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना है, क्या इसका जो है एक सोल्यूशन निकल सकता है। तो एक दिन वॉकिंग करते करते मेरे माइंड में एकदम आया, ठीक है, तो मेरे माइंड में तब आया जब मैं एक गाना सुन रहा था, उसमें तो शेर की बात आई, मतलब लाइन की बात आई, तो वो क्या करता है एक कदम पीछे लेता है, तो मुझे कहीं ना कहीं हिट हो गया एकदम। तो मैंने फिर वही डिसाइड किया कि ठीक है, जो भी लॉसेज हुए इट्स ओके, मुझे पता है इन फ्यूचर में इनको कवर कर लूँगा, चलो मैं शुरू से शुरू करता हूँ, क्योंकि इस बार शुरू से शुरू करना मैं जीरो से शुरू नहीं करूँगा, इस बार मुझे सिर्फ साइकोलॉजी पे काम करना है, क्योंकि मेरी टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैंने यही डिसीजन लिया और वहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया। तो जब मैंने वहाँ से स्टार्टिंग किया, कम कैपिटल से स्टार्ट किया, तो अब क्या हो रहा था, शुरू का हफ्ता मेरा लॉस में गया डेफिनेटली, क्योंकि फियर अभी भी माइंड में था ही, चाहे कैपिटल कम थी लेकिन चार्ट पे जब देख रहे थे तो फियर तो माइंड में आ ही रहा था। लेकिन नेक्स्ट वीक से क्या होगा, जैसे पिछले हफ्ते में क्या हुआ था, 4 दिन लॉस गया था, तो नेक्स्ट वीक में 4 दिन ही लॉस गया, बट एज कम्पेयर इन द, मतलब अगर कैपिटल के हिसाब से देखें तो मनी के हिसाब से हमारा लॉस कम हुआ, मेरा लॉस कम हुआ। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट वीक मेरा 3 दिन ही लॉस गया, 2 दिन में प्रॉफिटेबल रहा, तो मैं क्या रहा, मैं ब्रेक इवन पे ऑलमोस्ट आ चुका था। नेक्स्ट वीक मैंने देखा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, मैं प्रॉफिटेबल आया, ठीक है, नेक्स्ट वीक में प्रॉफिटेबल आया। बट क्या इसका मतलब ये है कि मैं प्रॉफिटेबल आ गया और मैं अपनी एकदम कैपिटल बढ़ा दूं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना होता, ठीक है। प्रॉफिटेबल आए हो तो उसको रेगुलर चलने दो, रेगुलर चलने दो। फिर क्या किया मैंने, उसको चलने दिया, अब भी मैं उसी स्टेज पे हूँ, मैं उतनी ही कैपिटल से, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हवाबाजी नहीं करूँगा, मैं अभी भी उतनी कैपिटल से ही ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं रेगुलर 3 मंथ्स प्रॉफिटेबल आता हूँ छोटे से पैसों से, तब मैं जाके अपनी कैपिटल बढ़ाने की सोचूंगा, ठीक है। छोटे पैसे उसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, मान लो अगर मैं कहता हूँ कि हाँ मैं 10,000 से करूँगा तो इट्स ओके, क्योंकि जब लगे कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है तब थोड़ी सी कैपिटल बढ़ा लो, बट उतनी मत बढ़ाओ जितना पहले कर रहे थे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या करना है आपको, आपका साइकोलॉजी अच्छी हो रही होगी जब आप रेगुलर कम कैपिटल से करोगे, क्योंकि वहाँ पर डर नहीं आएगा, आपको लगेगा कि जहाँ आप डेली का 2000 का लॉस बियर कर रहे थे, वहाँ पर आपको सिर्फ मैक्सिमम डेली का 100 रुपये का लॉस होगा मैक्सिमम, अगर आप मान लो 5000 से कर रहे हो ट्रेड, ठीक है, तो 100 रुपये आप बेरेबल हैं, 100 रुपये लॉस भी हो जाए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए कम कैपिटल से स्टार्ट करो, एक कदम पीछे लो अगर रेगुलर लॉसेज हो रहे हैं, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है, ताकि जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और जब अटैक करो, तो मुझे पता है मैंने जितने भी प्रो ट्रेडर्स, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनके इंटरव्यू सुने हैं, वो बोलते हैं कि 1-2 महीने के अंदर हमारे लॉसेज कवर हो गए जब हमने अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर लिया। तो मेरा भी यही मानना है कि जब आप पूरे सेट हो जाओगे, जब मैं भी पूरा सेट हो जाऊंगा, मुझे पता है जितना मैंने पिछले 2 से 3 महीने में लॉस किया था वो पूरे 1 महीने में ही कवर हो सकता है, चांसेस आर वेरी मच हाई, बट ज़रूरत है अपनी साइकोलॉजी को अच्छा करने की। आई होप आपको ये तरीका समझ आया होगा
ठीक है, कम कैपिटल से ट्रेड करो, साइकोलॉजी पे काम करो, अच्छे से ट्रेड करो, अपना जो है फीडबैक लिखो, कैसी कहाँ गलती की, कहाँ गलती की, कहाँ अच्छा किया, कहाँ बुरा किया, सब लिखो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, आपकी साइकोलॉजी बेटर होगी, ठीक है। अगर आपकी साइकोलॉजी बेटर हो, अगर आपको ये पॉइंट सही लग रहे हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह मैं साइकोलॉजी पर और वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। माई नेम इज़ संदीप, वी आर फ्रॉम सिम्फरीन। जय हिंद।